सेकेंड टाइम अपने पैंथर के साथ मैं आ रहा हूँ अमरावती। तुझे बोलो वांगे जी भाजे। ऑल्दो हम लोग मुंबई में रहते लेकिन आज तक मुंबई में कभी मिल नहीं पाए। और सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे भी करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। एंड आज है सेकंड लास्ट डे ऑफ दिस जर्नी, ऑफ दिस ट्रिप। सारा कुछ अनप्लान्ड था, यहाँ पे आने के बाद सब प्लान्ड हुआ, लाइक नागपुर, अकोला, नरनाला, ये सब कुछ जो भी आपने वीडियोज़ देखे सारे अनप्लान्ड थे। मैंने एक टाइम पे प्लान करके रखा था कि अपने को ये आगे चल के करने हैं, लेकिन वो इस ट्रिप में करने ऐसा बिल्कुल भी लगा नहीं था। आज मैं जा रहा हूँ अमरावती। अमरावती में अभिषेक भाई मतलब वॉन्डर सेन का मीटअप है, सो वहाँ पे जाना है। 11 बजे का मीटअप है, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10। एक घंटा लगने वाला है मुझे यहाँ से जाने के लिए। और मेन मतलब नागपुर से जब मैं अमरावती आया था तभी उसका रिटर्न जर्नी वाला वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि सेम रोड है, वही दिखाने का फिर मतलब ही नहीं है कुछ। इसके लिए फिर मैंने व्लॉग नहीं किया था। लेकिन एक गलती बड़े हादसे में कैसे कन्वर्ट हो सकती थी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि हुआ कुछ नहीं है लेकिन हो सकता था, तो वो भी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहले निकलते हैं यहाँ से और फिर मीटअप करके आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली। ओके, सुबह सुबह का टाइम है, अच्छे खासे पेड़ लगे, इसके लिए छाव है यहाँ पे। नहीं तो मैं अभी हूँ विदर्भ साइड में, और विदर्भ साइड में हीट मतलब एक्सट्रीम लेवल पे रहता है, लाइक 45-47 इतना जाता है। 1 hour later रीच्ड अमरावती, यहाँ से और 10 मिनट लगने वाला है। सेकेंड टाइम अपने पैंथर के साथ मैं आ रहा हूँ अमरावती। पिछले बार बोला था आएंगे तो आ गए, गाड़ी के अंजर पंजर हो गए थोड़े से कोई कोई पार्ट्स की। ये देखो आवाज़ आ रहा है कट कट, आगे से भी आ रहा है पीछे से भी आ रहा है। वॉशिंग मीटअप साठी आहे ना इथे, किती वेळ आहे त्यांना यायला? आज आहे महेश म्हणे 15-20 मिनिट। अच्छा, गाडी वॉश होईल का तोपर्यंत? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हेलो, कैसे हो? बस मजे में। बढ़िया। यस बढ़िया बढ़िया। बरस वेळ झाला का? नाही नाही। कैसे हो? अथर्व अथर्व एटीजी व्लॉग्स। अच्छा हाँ हाँ, संदेश। पण आता तू एवढी जी राईड केली एवढा लांब, तर मग ही कंप्लीट लीन पोझिशन मध्ये करायला लागते, तर मग बॅकचं काय त्रास किंवा काय एक्सरसाइज? ही अपराईट आहे, असं काही खूप झुकायचं हे नाही आहे याच्यामध्ये। ड्यूक कशी आहे? ड्यूक हां, बस असं आहे, थोडंसं असं आहे। ते पूर्ण लीन आहे ना, ते स्पोर्ट बाईक असतं, ते 10R पूर्ण असं झुका लागतो, त्याच्यात त्रास होतो। याच्यामध्ये ठीक आहे एवढं नाही, सीट पण कम्फर्टेबल, एकदम सॉफ्ट, टुरिंगच्या हिशोबानेच गाडी आहे ती, आणि काही व्हायब्रेशन वगैरे नाही, तर काही स्ट्रेस येत नाही, तसंही आहे। फक्त रस्ता जरा चांगला पाहिजे, डिसेंट पाहिजे, खराब एकदम असला तर मग जरा प्रॉब्लेम। हायवे साठी बढी आहे। मजा नहीं आ रहा ना, अभी ऐसे ही सुन लो, निकल दू। शांत है भाई। तो ये अभी
अभिषेक भाई, अच्छा लगा मिलके। हेलो हेलो। ऑल दो हम लोग मुंबई में रहते लेकिन आज तक मुंबई में कभी मिल नहीं पाए। फॉर्चुनेटली अभी हम लोग दोनों भी विदर्भ दौरा कर रहे थे, मेरा प्लान नहीं था। इनके जब वीडियो देखा तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये भी इधर आए, इसके लिए फिर आज मुलाकात हुई। काफ़ी टाइम से इंस्टा पे बात कर रहे लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था, आज फाइनली मिल गया, अच्छा लगा। और इनके वीडियोस देख के ही एक मोटिवेशन मिलता है, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। लिटरली चैनल बंद करने वाला था मैं, लेकिन बाद में जब इनका दिमाग में आया नाम तभी फिर इनकी कंसिस्टेंसी और मेहनत देख के वो एक दिल में शांति मिलती है कि नहीं भाई मेहनत करनी पड़ती है। काम करते रहो, ज़्यादा फल की चिंता मत करो। एग्जैक्टली, होना है तो हो जाएगा, नहीं हुआ है तो तुम्हारी यादें है। हाँ, मेमोरीज तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है। और सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे भी करो। तुम्हें बोलो वांगे जी भाजे। वांगे जी भाजे गप गप फिरे, क्या है ये? मतलब नागपुर जैसा है, अमरावती का ही वांगे जी भाजी फेमस है। वांगे जी भाजी फेमस है इसलिए वांगे जी भाजी और शीरा बाद में गप गप शीरा, मतलब खाते रहो शीरा। चलो निकलते उधर, कर दो फोन तुला। हो गया मीटअप, काफ़ी लोग आए, काफ़ी बाइकर्स आए, इनफैक्ट अमरावती से भी। अभी बज रहे हैं 1:30 ऑलमोस्ट। अभी क्या प्लान करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है। एक तो रिटर्न परतवाड़ा जा सकता हूँ या तो अमरावती में थोड़ा टाइम पास करूँगा मैं। बट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलके। जब मैंने यूट्यूब छोड़ने का सोचा था तभी लिटरली बोलता हूँ अभिषेक भाई का नाम मेरे दिमाग में आया, और जो कंसिस्टेंसी जो मेहनत वो कर रहे हैं वही मेरे ध्यान में रहा, अच्छा लगा। और उसी पॉइंट से फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग यूट्यूब कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो प्लान अभी ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ परतवाड़ा, और अभिषेक भाई के साथ जो प्लान बनने वाला था तो ऐसा था कि मैं उनके साथ रिटर्न जाते वक्त, मतलब मुंबई जाने के लिए साथ में जाने का उनको पूछ रहा था, बट उनका अभी तक डिसाइडेड नहीं है कुछ, कभी जाने वाला है नॉल, इसके लिए फिर प्लान थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फ़िलहाल। मैं आज रात को कंफर्म करूंगा मैं, अगर कल परसों में वो निकलेंगे तो फिर मैं उनके साथ निकल जाऊंगा जितना जहां तक होता है वहां तक, क्योंकि उनके भी प्लान्स है। लेट्स सी कैसा होता है, अगर राइड करने मिल गया साथ में तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं कल या परसों निकल जाऊंगा फिर। बट एज अ पर्सन अभिषेक भाई इज़ लिटरली हम्बल, मतलब बात करने में बहुत स्वीट है। अभी मैं आपको बताता हूँ नागपुर से अमरावती के बीच में मेरे साथ क्या हुआ था। सो मैंने एक्चुअली माइलेज टेस्ट करने के लिए एक स्पीड सेट कर ली कि अपने को 80-100 में क्रूज करना है, एंड एक पॉइंट पे जहाँ से अमरावती ऑलमोस्ट कह सकते 40-45 किलोमीटर्स बाकी था, सो आई वॉज क्रूजिंग एट 110 प्लस, एंड ओवरटेक करते समय या फिर लेन चेंज करते समय ना गाड़ी पीछे से वॉबल हो रही थी, बहुत बार वॉबल हुई। फिर मैंने डिसाइड किया कि अमरावती जाके टायर बदलना है अपने को, क्योंकि ये रिस्की लग रहा है बहुत, फ्लैट टायर है, बीच में अगर पंचर वगैरह हो गया या फिर फट गया तो फिर भी ऑन द वे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर मैं एक जगह पे फ्यूल भरने रुका, एंड जब मैंने वो देखा तो भाई मतलब बाल बाल बचा मैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर टायर फटता था या अगर कुछ भी होता था, सो आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता था। फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं, और हवा धीरे धीरे उसमें से कम हो रही थी। देन आई वेंट टू द पंक्चर शॉप, और पंक्चर वाला बोल रहा है कि ये पंक्चर रिपेयर नहीं हो सकता है क्योंकि टायर कट गया है और अंदर से जल गया है। एंड आई वॉज लाइक कि अभी जो तेरे से पॉसिबल होता है वो कर ले, अमरावती जाके टायर बदल लेता हूँ मैं। बट कैसे वैसे उसने वो दो जो ट्यूब आती है पंक्चर किट की तो वो उसमें डाल दी, अमरावती आया मैं। और अमरावती आने के बाद टायर शॉप में जब गया तो वहाँ पे टायर अवेलेबल था, फिट करने वाला कोई नहीं था। ऐसे दो तीन दुकान में घुमा तो कुछ तो एक पॉइंट था, मतलब अगर फिटिंग वाला है तो टायर नहीं है, टायर है तो फिटिंग वाला नहीं है, ऐसा हो रहा था। देन परतवाड़ा में आके नेक्स्ट डे मैंने टायर चेंज किया, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा जो टायर था पहले वाला वो एच रेटिंग का था। एच रेटिंग, एस रेटिंग, ये सब स्पीड के हिसाब से या फिर मैक्सिमम स्पीड उस पर हम लोग कितनी क्रूज कर सकते हैं वो रहता है। मेरा एच रेटिंग का टायर था, मुझे मिला यहाँ पे एस रेटिंग का, और मेरे पास अभी दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसके लिए फिर मुझे एस रेटिंग वाला टायर डालना पड़ा। तो
तो अभी थोड़ा सा लिमिटेशंस है, मतलब लाइक 112 120 तक मैक्सिमम मैं लेके जा सकता हूँ, बट ये मेरे साथ हुआ। देखो मौसम बदल गया, अभी धूप गायब हो गया इस पैच में। ऐसा मौसम रिटर्न जाते वक्त मिल गया ना तो चांदी लग जाएगी, क्योंकि धूप में एक टाइम के बाद इरिटेट होता है। और जब मैं नागपुर से परतवाड़ा जा रहा था तभी 40-50 के स्पीड से इस रोड से जा रहा था मैं, क्योंकि टायर मेरा फ्लैट हो गया था। इसके लिए बड़े राइड पे जाते वक्त गाड़ी पूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है, बट ठीक है, हर राइड में मुझे एक नया एक्सपीरियंस, नई सीख मिलती है। सो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, यानी कि मोटो व्लॉग में, जो परतवाड़ा से मुंबई तक का रहने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिए, एंड एज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।